हेलो हाय स्टूडेंट्स हाय व्यूअर्स। तो हम यहाँ पर जो है ये सीख रहे हैं कि कैसे हम जो है सोशल मीडिया आइकॉन्स को जो है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पर लाएं। तो पहले तो आपको जो है अपने होस्टिंग अकाउंट पर लॉगिन होना पड़ेगा। डैशबोर्ड पर आप जेटपैक में जाएंगे और सेटिंग्स क्लिक करेंगे। जब आप सेटिंग्स क्लिक कर रहे हैं तो आप जेटपैक के पेज पर आ गए। तो शेयरिंग बटन्स को लाने के लिए आपको शेयरिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। और शेयरिंग बटन्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है शेयरिंग बटन्स नजर आ रहे हैं, उसमें आपको जो है एनेबल करना पड़ेगा ऐड शेयरिंग बटन्स टू अकाउंट। इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। जब आप इसको एनेबल कर लें तो उसके बाद कॉन्फ़िगर शेयरिंग बटन्स पर जाना पड़ेगा। जब आप कॉन्फ़िगर शेयरिंग बटन्स पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आप मार्केटिंग एंड इंटीग्रेशन पेज पर आ जाएंगे। उस पेज पर आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको जो है एडिट लेबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपके शेयरिंग बटन्स रहेगा, ये आपके ब्लॉक के नीचे आएंगे। तो इसमें शेयरिंग बटन्स के लिए आपको जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको क्या सेलेक्ट करना है, मसलन जो है मैं चाह रहा हूँ कि जो है आइकॉन एंड टेक्स्ट रखूँ तो ऐसा लुक आएगा। मैं सिर्फ टेक्स्ट रखना चाहूँ तो ऐसा लुक आएगा। मैं ऑफिशियल बटन जो फेसबुक पर रखे होते हैं वो रखना चाह रहा हूँ तो ऐसा आएगा। फिलहाल मैं मुझे पसंद है कि मैं सिर्फ आइकन ओनली रखूँ, ऐसा लुक आए तो मैं ये रखूँ। साथ में जो है आपको यहाँ पर दिखेगा कि शो लाइक बटन, अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो ये लाइक बटन आपका ब्लॉग के पोस्ट के नीचे आएगा। अगर आप रीअरेंज करना चाह रहे हैं बटन को तो एडिट शेयरिंग बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको रीऑर्डर है इस पर क्लिक करें। जब रिऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं कि कौन कहां पर है। जब आप कर दें तो या तो आइडल रिमूव हो जाए या क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जो सेव चेंजेस कर, तो आप सक्सेसफुली चेंजेस को सेव कर